हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत भाई लोगों का ज़्यादातर कमेंट रहता है कि मलेशिया का जो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं लोग, तो क्या इसमें बगान में, जैसे ये बगान देख रहे हैं पीछे मेरा, और पाम ऑयल प्लांटेशन का बगान में क्या सांप रहता है? तो आज आप लोगों को पूरा सांप के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि क्या है मलेशिया में, क्या सच में तो नहीं चला अजगर है भाई। मेरा वीडियो का इस क्लिप में देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को क्लिप दिखा दूं। ये है अजगर सांप का क्लिप, ठीक है, जो आज हम लोग सुबह में काम में निकल रहे थे। और क्या बताऊं भाई, इतना बड़ा सांप था कि पूरा रास्ता के इस पार से उस पार तक लगभग कम से कम 10 से 12 फीट का सांप रहेगा। इतना मतलब बड़ा सांप है। तो आप लोगों को ये क्लिप देखने के बाद ये तो पता चल ही गया है कि मलेशिया में सांप होता है या नहीं होता है। तो हम लोग तीन आदमी जा रहे थे काम में, तो तीन आदमी जाते जाते रास्ते में, और हम लोग के पास बाइक रहता है, सबके पास एक एक बाइक है, ठीक है। तो हम लोग बाइक लेके जाते हैं काम में, और काम में जाते जाते और एक बगल में जंगल पड़ता है जहाँ हम लोग जिस बगान में लास्ट में जाते हैं, और उस बगान का लास्ट रहता, हम लोग का जो स्ट्रीट रहते हैं, साइड रहते हैं, उस साइड का वो कंपनी का इस साइड में हम लोग लास्ट एरिया तक जाते हैं। उस एरिया के बाद और कोई काम में नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही जंगल रहता है और उधर जाना बहुत ही खतरनाक रहता है। तो उधर एक बगान है और हम लोग उस बगान में जा रहे थे फल कटिंग करने। तो तीनों बंदा जा रहे थे बाइक लेके, और बाइक लेके जाने जाते जाते एक जो बंदा था, एक आदमी था, वो लड़का, वो आगे निकल गया है, ठीक है। आगे निकल के फिर मैं जब पीछे से गया तो फिर मुझे वो रोका, ठीक है। फिर मैं गया तो भाई देखा, इतना बड़ा सांप आप देख के ही तंग रह जाएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सांप का बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सांप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर एक पेड़ में आपको कहीं ना कहीं सांप देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी पेड़ में सांप नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है सांप आप लोगों को हर पेड़ में देखने के लिए मिलेगा। अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आप आते हैं, तो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आके आपको सांप का तो सामना करना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर आप लोगों को बता दूं, मलेशिया में ज़्यादातर आपका जो है किंग कोबरा सांप है, ठीक है। किंग कोबरा जो है, किंग कोबरा, वो भी ब्लैक वाला ज़्यादा है। वाइट सांप मतलब सांप है, सफ़ेद वाला है, और काला वाला जो है किंग कोबरा है। उसका इतना आवाज़ है भाई, तो आप मतलब 10 कदम दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पर सांप है। और जिधर हम लोग काम में जा रहे हैं, उधर अकेला काम में जाना खतरा से कम नहीं है, ठीक है। पाम ऑयल प्लांटेशन देखिए पैसा है, लेकिन खतरा से भी खेल के काम करना पड़ता है। और अगर आप भी, अगर दिल अगर आपका कमज़ोर है सांप देख के, अगर आप जल्दी डर जाते हैं, तो फिर ये पाम ऑयल प्लांटेशन का काम आपके लिए सही नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी अगर सांप से बहुत ज़्यादा डरते हैं भाई, ये सांप का जो है पाम ऑयल प्लांटेशन का जो काम रहता है, ये ज़्यादातर सांप का ही काम रहता है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको सांप से ही आपको आगे जाना पड़ेगा, और आगे सांप से ही आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये इस क्लिप को पूरा देखिए। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ ये वीडियो, आज जो मैंने सुबह सुबह वीडियो किया हूँ, ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखिए। तो वीडियो में बने रहे, आपको दिखाएंगे कि अजगर सांप आज हम लोग सुबह सुबह काम में आए हैं। और अजगर सांप आप देख सकते हैं कि मेरा जस्ट आगे अजगर सांप है, पूरा रास्ते के मतलब इस पार से उस पार भाई, बहुत बड़ा सांप है ये। ये देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है। और हम लोग तीन आदमी काम में जा रहे थे आज, और आज ये काम में सुबह सुबह हम लोग देखे, और ये बहुत ही बड़ा सांप काटेगा तो नहीं चला अजगर भाई। पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में जो भी आते हैं, ये सांप का जो सामना करना पड़ता है सबको। ये देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है, और अभी भाग भी नहीं रहा है ये। हम लोग अभी पत्थर भी फेंक रहे हैं तो भी नहीं भाग रहा है। देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है। और ऐसा सांप आपको बगान में बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये अभी रास्ते में है तो अभी डिस्टर्ब कर रहा है। और ये सांप को बहुत ही देख के डर लगता है, इससे भी बड़ा बड़ा सांप रहता है। और हम लोग इसके मतलब देख सकते हैं, अभी हम लोग तीन ही बंदा आए हैं, और ये आगे देख सकते हैं, और एक बंदा भी आगे जा रहा है वीडियो करने के लिए, फिर नज़दीक में चला गया उसका पास वीडियो करने के लिए। देख सकते हैं
वो अंदर चला गया है, सांप अभी जो है जंगल के अंदर चला गया है पूरा। ये देख सकते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। और कितना बड़ा सांप है, मत करो भाई। यहाँ पर देखिए सांप मतलब से हम अगर काम में आते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में, तो आपको सांप का सामना करना ही पड़ेगा।